अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। तो आज मैं आप लोगों से प्यारा सा ब्लॉग शेयर करूंगी जो कि हम लोग जो है न्यू प्लेयर देखना चाह रहे हैं। तो और अब आजकल हम लोग काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो समझ में आ रहा है तो वो काफ़ी महंगा है। यहाँ पर दाऊद साहब की जो एक चप्पल है पाँव में से बाहर ही उतर गई थी, तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, तो फिर वो दोबारा मेरे हस्बैंड के लेने के लिए। तो ये होम था, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये बिल्कुल न्यू था। अब हादी आप बैठ जाओ मुझे। और किचन भी इसका अच्छा था, और इसका जो 2 बेडरूम घर था ये वाला, और रूम जो था इसका बस छोटा ही था, इतने बड़े रूम नहीं थे, लेकिन बस सही थे, अच्छे थे, लगे थे। लेकिन इसका ना व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, और व्यू जो था इतना अच्छा था कि उसी की वजह से हम लोग लेना चाह रहे थे। मेरा वो रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा था, तो फिर हम लोगों की यहाँ पर बात तो नहीं बन सकी। इसके अलावा फिर अभी एक और भी देखा है, पहले आप लोग ये देख लें कि बहुत ही प्यारा है। अभी भी जो है ना हम लोग इस बिल्डिंग में देख रहे हैं कि अभी और भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो रेंट के लिए तैयार हैं। देखते हैं अगर बात बन जाए तो। वॉशरूम भी अच्छा था इसका, और ये जो है ना ये रूम है, और ये बस बहुत छोटा साइज था इस वाले रूम का ना, जिसमें भी हम लोग खड़े हैं। और यहाँ इसके आगे बालकनी भी थी, और ये सामने पूरा किनाल व्यू था जो कि बहुत ही प्यारा था। मोबाइल में इतना अच्छा तो है नहीं आ सका जितना ये लग रहा था वैसे। तो ये सामने वाली बिल्डिंग में हम रहते हैं जो स्टेडियम पॉइंट के सामने, वो तो आप लोगों को मैंने दिखाई हुई भी है। तो बच्चे जो है ना अभी धूल मिट्टी, क्योंकि जब घर बंद होते हैं तो काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है, तो बच्चे जो है वो हाथ लगा रहे थे, और काफ़ी धूल मिट्टी थी वैसे घर में। लेकिन जब लेना होता है, जब वो देते हैं तो फिर पूरी सफाई करके देते हैं वो लोग, गंदा नहीं देते, और ना ही कोई गंदा कर लेता है। और इसके अलावा चल दूसरा रूम दिखाऊँगी, ये दूसरा वाला रूम था, और इसके अंदर भी तो वॉशरूम था। और दूसरा जो रूम है ये जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये अच्छा था, ये थोड़ा सा बड़ा था, ये इसका साइज़ बिल्कुल सही था, अच्छा लगा था मुझे ये। और किचन भी अच्छा किचन था, छोटा नहीं था, सही था, मुझे बुरा नहीं लगा। दोनों रूम में जो है वो बालकनी थी। इसके बाद हम लोग छत पर चलेंगे, और छत से और ज़्यादा अच्छा व्यू था, और छत के ऊपर ये स्विमिंग पूल भी छत पे ही बना हुआ था जो कि बहुत ही अच्छा था, और काफ़ी बड़ी छत थी। आप बच्चे यहाँ पर आराम से जो है खेल सकते थे, कोई मसला नहीं था। तो इसके अलावा चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ जो कि बहुत प्यारा था। ये सामने स्टेडियम पॉइंट के साथ जो बिल्डिंग है हम लोग वहाँ पे रहते हैं। तो अभी वो जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, जो फ्लैट है हमारे पास, वो 1 बेडरूम है, और अभी जो है ना हम लोग 2 बेडरूम लेना चाह रहे हैं। और ये जो अभी हम लोगों को काफ़ी पसंद आया है, लेकिन देखें अभी तो है बात नहीं बनी, रेंट बहुत ज़्यादा था इसका। लेकिन अभी ये बिल्डिंग बिल्कुल न्यू है, अभी इसमें और भी काफ़ी सारे फ्लैट हैं, तो हम लोग देखेंगे जो पसंद आएगा, जिसकी बात बनेगी तो ही लेंगे, क्योंकि ये अपनी शायद व्यू की वजह से जो है ना इसका थोड़ा रेंट ज़्यादा था। वरना अगर आप इसकी बैक साइड से लेंगे या जो भी अंदर की साइड पे जो फ्लैट होते हैं उनका रेंट काफ़ी कम होता है, जो कि बिल्कुल फ्रंट साइड पे उनका व्यू ज़्यादा अच्छा होता है, खुला व्यू होता है, उनका रेंट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसका तो व्यू पूरी जो है किनार नज़र आ रही थी जो कि बहुत ही प्यारी थी। तो आप ऐसे नहीं करें इसको। और उसके बाद हम लोग जो है एक और फ्लैट देखने गए, ये 1 बेडरूम था, और ये इसका साइज़ जो है ना काफ़ी बड़ा था, ये बहुत प्यारा था, हमें ये भी अच्छा लगा था। और लेकिन ये 1 बेडरूम था, और इसमें जो है ना 1 बालकनी थी, और वो काफ़ी बड़ी थी, मतलब एक छोटा सा नॉर्मल साइज़ छोटे साइज़ का रूम होता है ना, इतनी तो इसकी बालकनी थी। और ये इसका वॉशरूम था, और ये 1 बेडरूम घर था, और ये रूम था, और इसके अंदर जो है ना अलमारियाँ वगैरह बनी हुई थी, कैबिनेट वगैरह। और इसके रूम का साइज़ सही था, और बालकनी एक ही थी, लेकिन आप इसके दूसरे रूम में से भी बाहर जा सकते थे और इधर से भी आ सकते थे। तो किचन का साइज़ भी बुरा नहीं था, किचन भी ठीक था, अच्छा था। तो लेकिन बस हम लोगों को ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि 2 बेडरूम अगर थोड़ा सा मुनासिब मिल जाए तो 2 बेडरूम में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इसका व्यू भी जो है मैं आगे चल के दिखाती हूँ, इसका व्यू कुछ ऐसा था, बुरा नहीं था, ये भी अच्छा था। तो व्यू इसमें से भी सामने चले मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी थोड़ा पास से। और बिल्कुल सामने जो है ना बिल्डिंग भी थी साथ में, और इधर से ये बिल्कुल खुला था व्यू, अच्छा खुला व्यू था, बुरा नहीं लग रहा था। हवा भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो समझ में आ रहा था। लेकिन फिर हम लोग थोड़ा सा बस वो सोच में पड़ गए ना कि चले 2 बेडरूम लेना है तो 2 बेडरूम ही देखें। तो फिर हम लोगों को ये समझ में फिर नहीं आया, फिर नहीं लिया हम लोगों ने। और इसके ऊपर भी हम लोग छत पे गए तो ये पूल बना हुआ था और सही था, बुरा नहीं था, लेकिन छत थोड़ी छोटी थी तो बस कुछ ये देख लें, इस तरह का व्यू है इसका। तो बाहर से ऊपर से भी दिखा दूँगी मैं आपको कि कैसा व्यू है। दाऊद आप क्यों कर रहे हैं इसमें घर पे? और दाऊद साहब को हाथ पकड़ना ही पड़ता है वरना ये इस पूल में गिरने का खतरा होता है, और वैसे भी ये भागता रहता है ना, तो छोटा है इसको लग जाती है। उसके बाद बच्चे जो कह रहे थे भाई हम लोग है थोड़ा सा पार्क में खेलेंगे, तो बच्चे खेलने लग गए थे। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, कम ही लेकर जाते हैं हम लोग, तो अभी भी इधर देखें ज़रा ये बाल खींचने के पड़ गए तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। चलिए फिर मिलते हैं नए किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।